हेलो गाइस, मैं हूँ दीपक और आप लोग देख रहे हैं TBC1। गाइस, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, हो सकता है कि कई लोग इस बात से एग्री ना करें और हो सकता है कि कई लोग इस बात से एग्री करें। ये वाला जो बिग बॉस का सीजन है, नो डाउट बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन जो बिग बॉस में टास्क और जो थीम लेके आते हैं ना ये लोग, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो थीम्स है ना वो फ्लॉप हो जाती है। देखिए, इस बार के बिग बॉस का टैगलाइन था, पड़ोसी आ रहे हैं बजाने 12। हमने देखा कि पड़ोसी ने 12 तो क्या, 1 2 3 भी नहीं बजाए, इनफैक्ट पड़ोसियों की खुद की 12 बज गई थी। और अब एक ही पड़ोसी मेंबर बचा है घर में, वो भी लव, वो भी हिना के सारे टिक गया इतने दिनों तक, हालांकि अब अच्छा खेल रहा है। तो ये पड़ोसी थीम फ्लॉप हो गई, इसके बाद अब बिग बॉस ने फैमिली थीम लेके आ गए हैं, जो कि एक और ही फ्लॉप और ब्लंडर आइडिया है। हालांकि ये प्रोमो में तो दिख गया था कि घर वाले आने वाले हैं और पड़ोस के घर में रहेंगे, तो ये फ्लॉप आइडिया था। और टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने ये एपिसोड देखे ही नहीं, मैंने नेट पे देखे हैं थोड़े बहुत क्लिपिंग्स और वूट पर देखा, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि ये फैमिली टास्क अच्छा चलेगा। और हुआ भी ऐसा ही, फैमिली टास्क में कौन विनर हुआ कौन नहीं हुआ ये तो कोई डिसाइड कर ही नहीं पाया, और बिग बॉस ने फैमिली टास्क कैंसिल कर दिया। हालांकि इस फैमिली टास्क के पहले दिन, जब सारे घर वाले जैसे कि शिल्पा शिंदे के भाई, हिना का बॉयफ्रेंड रॉकी, विकास की मम्मी, प्रेम की, लव की, मतलब सब फैमिलीज इकट्ठी हो गई, पुनीश आए, पुनीश के लिए बंदगी आई, तो सारे घर वालों ने मिलकर बिग बॉस के घर को मास्टर शेफ का स्टूडियो बना दिया। आपको शायद पता नहीं है, कई लोग ट्विटर पे और फेसबुक पे खूब बातें करते थे, भाई ये बिग बॉस का घर है, कोई मास्टर शेफ थोड़ी है जो शिल्पा किचन में ही रहती रहे। तो इस बार बिग बॉस ने खुद ही मास्टर शेफ बना डाला बिग बॉस के सेट को, और कुकिंग वाली टास्क थी, नो डाउट कुकिंग में तो शिल्पा ही जीतनी थी। हाँ, इस कुकिंग वाली टास्क में हिना खान का एक और झूठ पकड़ा गया, क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले चीख चीख के कहती थी शिल्पा शिंदे, लूजर, मुझे मेरी माँ ने सब सिखाया है, कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन वगैरह सब आता है मुझे, मेरी मम्मी ने मुझे सब सिखाया है। लेकिन यहाँ हमने देखा कुकिंग टास्क में, ओ माई गॉड, मुझे कुक करना नहीं आता, मैं कैसे बनाऊंगी। देखा, खैर आपस में भले ही ये लोग कितने भी लड़ते झगड़ते होंगे, लेकिन कुकिंग टास्क में हमने देखा कि हर कोई मदद मांग रहा था शिल्पा से, शिल्पा इधर शिल्पा उधर, शिल्पा ने सबकी हेल्प की और खुद का भी डिश बनाया। और नो डाउट शिल्पा इतनी अच्छी कुक है तो उन्हीं को जीतना था, तो ये टास्क उन्होंने जीती क्योंकि उनका बनाया खाना सबको पसंद आया। तो ये एक और प्लस पॉइंट जुड़ता है शिल्पा के खाते में, और ये डिजर्व करता है यार। वो चाहती तो मना कर सकती थी कि भाई तुम लोग अपना अपना कर लो, मैं अपना करूँ, लेकिन उन्होंने सबकी मदद की, इसीलिए तो कहते हैं भाई शिल्पा विनिंग हार्ट्स। हमने देखा फैमिलीज में रॉकी और शिल्पा के भाई थे, बाकी सब मम्मियां और पुनीश की गर्लफ्रेंड थी बंदगी। तो यहाँ पर रॉकी ने क्या बिहेव किया, मतलब मुझे भाई उम्मीद नहीं थी कि रॉकी इस कदर सेंसिबल और मैच्योर बिहेव करेगा, बट नो डाउट उसने बहुत अच्छे से प्ले किया और अच्छे से संभाला सिचुएशंस को, जो भी आर्ग्यूमेंट वगैरह मम्मियां कर रही थी, क्योंकि फैमिली टास्क में मम्मियां भी थी, और मम्मियां तो अपने बेटों की बच्चों की बुराइयां देखती नहीं ना, उन्हें तो हमेशा अच्छा दिखता है। तो रॉकी एंड शिल्पा शिंदे के भाई ने काफी अच्छे से चीजों को टैकल किया, क्योंकि विकास की मम्मी से शिल्पा के भाई का कुछ बातचीत हो रही थी, तो शिल्पा जी के भाई ने इस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल किया। इधर हमने देखा कि रॉकी भी काफी अच्छे से बिहेव कर रहे थे सबके साथ, तो ओवरऑल बहुत अच्छा था। इसके बाद थोड़ा कॉमेडी टास्क हुआ, कॉमेडी टास्क में भाई नो डाउट विनर तो एक ही होना था, वो था पुनीश, क्योंकि उसके वन लाइनर्स जोक्स जबरदस्त थे, मतलब किसी को भी हंसी आ जाती, बस स्ट्रेंच, बट क्या करें भाई, इस टास्क में पुनीश को पॉइंट्स नहीं मिले। और हाँ, इन्हीं टास्क के दौरान हिना का मैथ्स गणित जो है वो भी गड़बड़ झोल हो गया, उनको 60 और 600 में फर्क नहीं पड़ा, तो बिग बॉस को भी बताना पड़ा कि 60 और 600 अलग होता है। तो खैर फनी वे में इसको लिया जा सकता है, मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूँ हिना को, ट्रोल तो कुकिंग के लिए किया था। सो ओवरऑल पहला दिन अच्छा बीत गया, लेकिन दूसरे दिन मम्मियों ने आपस में अपने अपने बच्चे को बेस्ट साबित करने के चक्कर में बहसबाजी कर ली, और आकाश की मम्मी तो आंखें बड़ी बड़ी करके, मेरे बेटे के बारे में कुछ ना बोलना मैं वॉकआउट कर जाऊंगी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, मेरे हिसाब से तो ये फैमिली टास्क इतना कोई बेहतर नहीं रहा, बेहतर होता तो बिग बॉस खुद विनर डिसाइड करते। क्योंकि मम्मियों की बातें, फिर इधर उधर घर की डिस्कशन, आपसी डिस्कशन, विकास प्रियंका की बातचीत, विकास का अपसेट हो जाना, खींचना खिसियाना, तो
तो आई डोंट थिंक सो कि इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि देखो फैमिली आए मिलके चली जाए, आप उनको एक टास्क में इन्वॉल्व कर देते हो तो यार चीजें फिर गड़बड़ हो ही जाती हैं। और हर कोई चाहेगा कि मैं अपने बेटे या बच्चे को पॉइंट दूं या वोट करूं। भाई देखिए बॉटम लाइन ये है कि मम्मियां आई हैं, फैमिली वाले आए हैं, उनके सामने तुम अपने बच्चों को बुरा भला नहीं सुन सकते ना। और बिग बॉस ने ऐसी टास्क कराई तो कोई भी मम्मी नहीं सुनेगी कि यार मेरे बेटे के बारे में, मेरी बेटी के बारे में, मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में कोई भला बुरा बोल रहा है, मैं उस चीज के लिए हंसू और पॉइंट दू। सो मेरे विचार से तो ये फैमिली टास्क फ्लॉप था, और मुझे लगता है कि ऐसी टास्क नहीं होनी चाहिए। बहुत डिस्गस्टिंग आइडिया था, बहुत ही फ्लॉप आइडिया था, लेकिन भाई हमारे बोलने से क्या फर्क पड़ता है, ये टास्क ये प्लानिंग तो बिग बॉस डिसाइड करते। भाई आप लोग देखिए, आप भाई आप लोग बताइए मुझे आपको क्या लगता है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिए, और अगर मैं सही हूं तो भाई थैंक यू सो मच, टेक केयर। और हाँ आप शेयर कीजिए भाई वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए टीवी से भाई। थैंक यू।